क्लास नाइन्थ एफ, सब्जेक्ट फिजिक्स। क्वेश्चन वन, पृथ्वी तथा उसके पृष्ठ पर रखी किसी एक किलोग्राम की वस्तु के मध्य गुरुत्व बल का परिमाण क्या होगा? सॉल्यूशन, पृथ्वी की त्रिज्या बराबर 6.4 × 10⁸ मीटर, पृथ्वी का द्रव्यमान 6×10⁴ किलोग्राम, वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम की वस्तु तथा पृथ्वी के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण F बराबर जी एम एम बटे आर स्क्वायर, जी का मान है 6.67 × 10⁻¹⁶ × 6 × 10⁴ × 1 बटे 6.4 × 10⁶ × 10⁸ न्यूटन। इसको हल करके आया 6.67 × 6 × 10⁶ × 6.4 × 6.4 स्क्वायर करके आता हमारा 9.77 न्यूटन, जो कि हमारा 9.8 से छोटा है। आंसर 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग
ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, यहाँ u = 0, g = -9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, s = 19.6 मीटर। गति के तृतीय नियम से, तृतीय समीकरण से v² = u² + 2as, v² = 0² 2 × -9.8 × -19.6, v² - 19.6 का स्क्वायर, v = -19.6 मीटर प्रति सेकंड। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि वेग की दिशा नीचे की ओर है। आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए, बल का परिकलन कीजिए दिया है। पृथ्वी का द्रव्यमान (6×10^24) किलोग्राम, सूर्य का द्रव्यमान 2×10^30 किलोग्राम, दोनों के मध्य औसत दूरी (1.5×10^11) मीटर है। सॉल्यूशन, (ME = 6×10^24 किलोग्राम, ME का अर्थ है मास ऑफ अर्थ, इसी प्रकार MS मास ऑफ सन = 2×10^30 किलोग्राम, R = 1.5×10^11 मीटर, फॉर्मूला F = g (ME/MS/R²) से मान रख देंगे 6.67×10^11 - 6×10^24 × 2×10^30 (1.5×10^11 का स्क्वायर न्यूटन) 6×67×12 × 10^21
बटे 1.5 गुणा 1.5 बराबर 3.56 गुणा 10^22 न्यूटन। आंसर 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 घन सेंटीमीटर है। यदि 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा। सॉल्यूशन, पदार्थ का द्रव्यमान पचास ग्राम, पदार्थ का आयतन 20 घन सेंटीमीटर, इसलिए पदार्थ का घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। बराबर 50/20। इसको हल करके आया 2.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, अतः पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, इसलिए पदार्थ पानी में डूबेगा। आंसर